हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज़ क्लास वी आर गोइंग टू लर्न फिफ्थ स्टैंडर्ड मराठी लेसन नंबर 4, दैट इज़ ही पिसे कुणाची, ये अपंग किसके हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एक ये अच्छा लेसन है। तो देखो यहाँ पे क्या है, मीनू को दो पिसे दो पंख मिलते हैं। ती कुणाची असावीत म्हणून तिने शोध घेतला। तो मीनू को जो दो मिले तो वो वंडर्ड थी, आश्चर्यचकित थी कि ये किसके हैं पंख। ओके, तिने अनुक्रमे कोमड़ीला कबूतराला विचार ले, तो उसने कोमड़ी को पूछा, कबूतर को पूछा, कोमड़ी यानी मुर्गी को पूछा। त्यानी ही पिसे आपली नाहीत असे सांगितले, तो उन लोगों ने बोला कि हमारे तो है ही नहीं। शेवटी मीनू ने मुराला विचार ले, मुराने ही पिसे बदकाची असल्यांचे सांगितले। तो छोटी मीनू ने क्या किया, मोर को पूछा, मोर ने बोला कि बदक्का है। बदकाला विचार ले असता बदकाने हो मटले, बदकाने मिलो ती पिसे दिली, मीनू ती वही जपून ठेवली। तो यहाँ पे उसने एक डक से पूछा, तो डक ने बोला हाँ, बतक ने बोला हाँ। तो उसने डक ने क्या किया, वो दोनों पंख मीनू को दे दिया। तो मीनू ने उसे क्या किया, मीनू ने उसे बहुत ही संभाल के रखा, जपून ठेवली, संभाल के रखा कहाँ पे, नोटबुक में। अब इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट क्या है आपको, कि हार्ड वर्ड के जो मीनिंग है वो समझना, ठीक है। तो अगर वो आप लर्न कर लेते हो तो आपको चैप्टर भी समझ में आएगा। जैसे देखिए, दूर, दूर तो सबको पता है, बहुत दूर है, तो इंग्लिश में भी दिया है, ठीक है। लयित यानी कि एक लय में, रिदम में, नाद में, स्वर में। गुनगुनात यानी गुनगुनाना। निरखुन पाइले यानी कि उसे निरखना, ऑब्जर्व करना, ध्यान से देखना। खुराने यानी, खुराने क्या होता है, कूप यानी हन का घर, जो कोमड़ी होती है उसका घर। करड़ रंग, करड़ा रंग का मतलब क्या होता है, करड़ा रंग का मतलब ग्रे कलर। पिसारा मतलब प्लमेज यानी उसका पंख का गुच्छा। ऐटदार यानी कैसा, ग्रेसफुल, झोंकदार, रुबाबदार। चाल यानी चलना, मूवमेंट, वॉक किसी का। मोहक यानी सुंदर, अट्रैक्टिव। आभार मान यानी आभार मानना। दाट यानी गच, झाड़ी यानी झाड़ का समूह। ओके, दाट यानी गच, डेंस एकदम घना। मीनू से घर कोठे होते, तो मीनू का घर कैसा, कहाँ था, खेतों में था। मीनू से घर शेतात होते। पिसे पाहुन मीनूसिया मनात कोणता विचार आला, तो पिसे पाहुन मीनूसिया मनात विचार आला कि ही पिसे कुणाची असतील, ये पंख किसके हैं। मीनू कोणा कोणाला भेटली, मीनू किससे किससे मिली, कोंबड़ी, मोर, कबूतर, बदक से मिली। मीनूला बदकाचा पत्ता कोणी सांगितला, तो देखो यहाँ पे दिया गया, मीनूसा बदकाचा पत्ता मुराने सांगितला। मीनू ने ये बदक का है वो पंख वो मोर ने बताया। पीसे कुणासी होती तो वो पीसे बदकासी होती, यानी पी जो पंख थे वो बदक के थे। टिक करना है आपको यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है, पीसे सापल्यावर मीनूला, तो पीसे कुणासी आहे ते माहित करून द्यायसे होते, तो ये करेक्ट है। पीसे घरी न्यायसी होती तो ये नहीं है। बदक मनाले, बदक ने क्या बोला, पीसे तू संभाळून ठेव, पीस ये जो पंख है तू संभाल के रख, ये करेक्ट है। माझी पीसे मला दे, मेरा पंख मुझे दे, ये उसने नहीं बोला था, उसने ये बोला था ना पीसे तू संभाळून ठेव, कि ये जो पंख है तू संभाल के रख मीनू, तो ये सही है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, जुड़िया जुड़वा यानी मैच द पेयर्स, बदक, कोमड़ी, कबूतर। तो अभी देखो, बदक कहाँ रहता था, नदी। कोमड़ी कहाँ रहती थी, खुराड़े में। कबूतर कहाँ रहता था, झाड़ पे। आंसर सामने सामने गिवन है। योग्य पर्याय शोधा वलिहा, मीनूला दोन सापड़ली, पाने, फूले, पिसे, पाखरे। करेक्ट ऑप्शन पिसे, तो यहाँ पे हमने लिखा पिसे, यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। मीनू डैश पिसे परत देत होती, मुराला, बदकाला, कबूतराला, कोमड़ीला। तो बदकाला उसका था ना, बदक का, तो करेक्ट ऑप्शन ये है और इसमें ये है, तो आपको यहाँ पे लिखना रहेगा और टिक भी कर लेना। भी ओपन एंडेड क्वेश्चन देखते हैं, तुम्हाला शाळेत वर्गात एखादी वस्तु सापडली तर तुम्ही काय करता। अभी ये तो आपको अपने वजह से अपनी तरफ से लिख सकते हो, और यहाँ पे आंसर दिया गया है कि अगर आपका वो
नहीं है सामान तो क्या करोगे। मी ती वस्तु नीट तपासतो, ती कुणासी आहे हे शाधून काढतो आणि त्याला ती देतो, मैं उसे अच्छे से संभाल के रखती और वह किसका है यह पता करती और उसको देती। राइट द एंटोनिम्स फॉर दूर यानी दूर, जवड़ यानी पास, पूढ़े मागे, इकड़े यहाँ, तिकड़े वहाँ, आनंद दुख, हे ते, मी तू, तो ती लिहा, तो मोर के लिए, ती लांडोर के लिए, तो कोमड़ा के लिए, ती कोमड़ी के लिए। हड़ू हड़ू ऐसे शब्द आपको लिखना है, तो देखो मुड़ू मुड़ू, जुड़ू जुड़ू, गुड़ू गुड़ू, डोलू डोलू, इस तरीके के ऊ की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा। नेक्स्ट यहाँ पे है उदाहरणे वाजात या प्रमाणे लिहा, घर घरापासून, घर घराजवळ, खुराडे खुराड्यात, तो गावापासून, तड़े का तड़्यापासून, पाय का पायापासून, घरटे का घरट्यापासून। अभी जवळ वाला कैसे, तो गावाजवळ, तड़्याजवळ, पायाजवळ, घरट्याजवळ। अभी खुरा यहाँ पे ड्यात का, ठीक है, तो देखो गाँव गावात, तड़े तड़्यात, पाय पायात, घरटे घरट्यात। प्राणी व ध्यान से घरी लिहा, तो कोमड़ी का घर क्या होता है, खुराड़े, कोमड़ी से खुराड़े, सापा से वारुण, गाई सा गोठा, उंदरा से बीड़, पक्षिया से घरटे, वाघा सी गुहा, खोड़ियासा तबेला, घोड़ियासा तबेला। सांप का क्या होता है, वारुल बिल, मतलब वारुल होता है उनका। गाय का क्या होता है, गोठा। उंदरा यानी कि चूहे का क्या होता है, बिल। पक्षी का क्या होता है, घरट यानी घोंसला। बाघ यानी बाघ जो होता है उसका क्या होता है, गुफा। घोड़ा का क्या होता है, तबेला। तो ये हुआ, तुम्हाला कौनता पक्षी आवड़तो का, तुम्हें कौन सा पक्षी पसंद है, क्यों वो बताना है। अभी एक यहाँ पे दिया गया है, एक चित्र दिया गया है, उसे आपको क्या करना है, कलर करना है। और ये यहाँ पे दिया हुआ है, आपको वही देख के यहाँ पे बनाना है। तो ये तो आपको कलर करना था और आपको सेम टू सेम यहाँ पे बनाना है, ऐसा ये बनाना है, ये जो बटरफ्लाई है और उसको भी कलर करना है। यहाँ पे जिसने भी बनाया वो सेम टू सेम बना दिया है बच्चे ने, आपको डिफरेंट करना है, ये कलर डिफरेंट, ये कलर, सो दैट कि ये दिख सके ये। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया गया है कुछ, ये दिया गया है इसकी मात्राओं के लिए। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 5 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस बने हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए।